पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं हाथ जोड़कर इसी समय अपने हाथों को जोड़कर आज परमेश्वर के सामने इसी समय शांत हो जाएं दो मिनट के लिए। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहता है। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। जो विश्वास कर रहे हैं इसी समय प्रभु चंगा करेगा आज आपको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इसी समय अगर मैं किसी का नाम पुकारूं तो वो इस समय विश्वास करे। अगर प्रभु किसी की बीमारी बताए, किसी के बारे में बताए, वहीं खड़े खड़े रिसीव करना आज। अगर आप ईमानदार हैं तो आगे आकर आपको गवाही देनी है, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आपको बाद में आना है और लिखवाना है आप गवाहियों के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है। अबलाबा शबलाबा शबलाबा। आप सोचते हैं कि शायद ये इंसान मेरे सिर पर हाथ रखेगा, लेकिन याद रखना ये सच है। जब आप संडे के दिन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु मेरे अंदर से होकर आपसे बातें करता है, मेरे अंदर से होकर आपके ऊपर हाथ रखता है। मेरी जुबान से जो निकलेगा समझ लेना कि वो हाथ रखा है। आज आपके शब्द जब सही होते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। आप जो आपके विचार जब सही होते हैं परमेश्वर काम करता है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं से देख रहा हूं कोई भाई है यहाँ पर और इसी समय दो दिन से उसके लेफ्ट हैंड में ऊपर से लेकर तक दर्द हो रहा है, अजीब सा दर्द हो रहा है, ऐसे हाथ झटकना पड़ता है। प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि मैं उसको आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और तेरे घर में रुपिंदर कौर, रुपिंदर, मैं फिर कर रहा हूं, रुपिंदर कौर, पुष्पिंदर कौर, भूपिंदर कौर, ऐसे कुछ नाम है आपका। और इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि आपके घुटनों में भी प्रॉब्लम रहता है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूं तेरे घुटनों में, अभी इसी समय किसी ने छुआ आपको स्पर्श, किसी को पता लगेगा कि अभी इसी समय मेरे घुटनों को कोई टच करके गया है। मैं देख रहा हूं आपके घुटनों में कड़ाक 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 की आवाजें आ रही हैं और एकदम से वो घुटना मजबूत हो रहा है। आप डंडा लेकर आए थे, आपने छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इसी समय अगले 2 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर आपको छुएगा। अभी इसी समय छुएगा आपको। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। हाँ परमेश्वर, आप छू रहे हैं लोगों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, मैं देख रहा हूं ऐसे कोई कपिल आपके आपके कमर में पेन रहता है, आपकी हड्डियां नसें बोस अंदर से दबी हुई हैं। किसी ने कहा आपको आपकी नसें दबी हुई हैं, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं नसों में गर्माहट सी आ रही है, महसूस करेंगे आप अभी इसी समय। मैं फिर कह रहा हूं कपिल तू महसूस करेगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बेल्टें उतर रही हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं ऐसे राजा, कोई राजा मुझे ऑनलाइन सुन रही है यहां पर खड़ा है, राजा राजू, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कर्जे के नीचे दबे हुए थे, आप फिर से ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे रानी, पवित्र आत्मा का एक नया घर तुम्हें देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। ज्योति तू चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। तेरे चश्मे उतर रहे हैं, अभी तू यहाँ पर चश्मा लगा कर खड़ी है। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है तेरी आंखों को। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, स्पर्श कर रहा है। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, वो इस समय आपको 5 मिनट बाद पता लगेगा कि सच में मुझे किसी ने छू लिया है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई प्रतीक, कोई प्रतीक आपके ऊपर। अब मकान किसी का खत्म होने वाला है, किसी का मकान खत्म होने वाला है। कोई मकान, कोई बैंक, कोई बैंक, कोई पास्टर यहाँ पर है और इसी समय, या कोई ऑनलाइन सुन रहा है, कोई पास्टर है तो सामने आए और इसी समय परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। गवाही बताए अपनी, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय कोई पास्टर है या कोई सेवा करता है छोटी मोटी, और इसी समय किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम हो गया, मकान तक बिकने की नौबत आ गई है और आप परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे तसल्ली दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं सिर्फ तुझे खाली तसल्ली नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल करूंगा यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग दूत आ रहे हैं तेरे आसपास, तेरे लिए कुछ बेहतर होने वाला है। निराश ना हो, आत्मा कहता है
जो सोच रहे हैं कि आज सच में परमेश्वर मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी कार बिकने वाली है, पवित्र आत्मा कह रहा है मत डर, बेस्ट बातें अपने मुंह से निकाल, अपने शब्दों को सही कर। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात मैं तेरे लिए कुछ नया करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज रात नया होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कोई इसी समय अमर चीज, आप इसी समय कमर में, आपके टांगों में, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो गया है, आप बेड से उठ रहे हैं, आपको शेयर पे बैठना पड़ता है, आपको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, अमर चीज तू आजाद हो रही है बेटी, आजाद हो रही है, परमेश्वर की आत्मा तेरे से बात कर रहा है। फिर से कहो आप आजाद, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यस हालेलुया अबलबा शमा। हां बोलो प्रोफेट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई पास्टर है, अभी आप कह रहे थे मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई पास्टर यहाँ पर है और वो सेवा करते, कोई उनका घर बिकने की कगार पे है, अभी बता रहे हैं इनका घर आज बिकने की कगार पर है। हालेलुया जय मसीह की। मैं एक छोटा मोटा फेलोशिप चलाता हूँ वेस्ट बंगाल में कुछ भी डिस्ट्रिक्ट, तो मैं कब से ये कर्जा हमारा 3 साल से। अभी क्या हुआ मकान? अभी वो बैंक LIC से लोन लिया था तो LIC बोला है EMI दे नहीं पाया, इसीलिए वो लॉक कर देंगे घर। परमेश्वर कह रहे मैं तेरे आंसुओं को पूछ रहा हूँ, तेरे ऊपर दया होने के लिए जा रही है परमेश्वर, तेरी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। बस आपको अपने मुंह के शब्दों को ताकतवर करना, आपको बोलना है जो परमेश्वर करेगा, जो परमेश्वर करेगा वो मेरे लिए भलाई करेगा, वो मेरे लिए भलाई, वो मेरी हानि को लाभ में बदल देगा आज, वो हमारे हानि को नाम में बदल, प्रॉफिट में बदल देगा, प्रॉफिट में बदल देगा। गुड न्यूज मिलेगी जल्दी आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कि आशियान और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, ऊंचे करो अपने हाथ और इसी समय आपके, मैं कह रहा हूँ कि आशियाना ऐसे कुछ नाम है। मैं से देख रहा हूँ पवित्र आत्मा, अगर आपकी स्टिक छूट रही है, आप डंडा लेकर चलते हैं छूट रहे हैं, आप पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, ममता करे के बच्चा नहीं है, परमेश्वर दिए गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कविता तेरे बच्चों को जॉब मिलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है, आपके घराने पर आशीष आ रही है। मैं देख रहा हूँ सीमा भाई बहुत शराब पीता है, पवित्र आत्मा करे के आज के बाद वो शराब पिलाने वाली आत्माएं तेरे घर से खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। सपना मैरिज का प्रॉब्लम या कुछ भी, कोई भी काम करती है तू निराश रहती है, बहुत डिप्रेशन में है, तू सपना यहाँ पर खड़ी है, आत्मा कह रहा है कि तू बहुत निराशा में है, बहुत डिप्रेशन में, तू कह रही है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पवित्र आत्मा का आज का वचन तेरी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो यहीं पर है पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छूंगा और तेरे वो डिप्रेशन के दिन खत्म होंगे, निराशा के दिन खत्म होंगे, चिंता की घड़ियां खत्म होंगी, पवित्र आत्मा काम करेगा, तेरी लाइफ में ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई गूंगा बह रहा है और इसी समय उसके कान खुल रहे हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, इसमें गैस, एसिडिटी, शुगर, थायराइड, बवासीर, पथरियां, रसौलियां, जो भी इनके पेट में पवित्र आत्मा प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छू रहा आपको यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने देखा अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि USA के अंदर कोई लेडी इलेक्शन में जीत जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है ट्रंप को हार का सामना करना पड़े क्योंकि उसने मुझे फोन नहीं किया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, दिल्ली में कितना सताव था लेकिन मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें केजरीवाल की पार्टी फिर जीत गई दिल्ली में। हालेलुया। चाहे कितना भी सताव हो, अगर एक अन्य जाति पर परमेश्वर दया कर सकता है तो आपके ऊपर भी दया कर सकता है परमेश्वर। ये भविष्यवाणियां मैं पहले क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट आएगा 2025 में, USA का रिजल्ट आएगा नवंबर में, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट सच्चा है कि झूठा है। परमेश्वर दया करे,
अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। GJNMRSTL और V और D नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम। साउंड नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ इन लोगों की आवाज चाहिए। देखते हैं बोलते हैं कि नहीं। अब कोई कोर्स गाओ, शाबाश। अरे क्यों डरा रहा है इनको। तू ही ने मुझे प्यार किया। क्या आप गा सकते हैं? सुनो, आपकी मुश्किलें जब तक नहीं जाएंगी जब तक आप खुद मुंह से स्तुति नहीं करेंगे, खुद अपने मुंह से गीत नहीं गाएंगे। आपको गाना आए ना आए, लेकिन आपको मुंह से गीत गाना है, आपको हिलाना है अपने मुंह को। फिर से कहो, तू ही ने मुझे प्यार किया। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर तूने मुझे प्यार किया, मेरा उद्धार किया। आप गाओ, शाबाश, शांत हो जाओ। शाबाश, शाबाश, जोर से और जोर से। जो गा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो नंबर वन होने जा रहे हैं, उनके नाम महान होने के लिए जा रहे हैं। याद रखना, बाइबल में परमेश्वर ने उन लोगों को महान कर दिया, उनके बिजनेस को ब्लेस कर दिया जिन लोगों ने गाया, उनका कर्जा उतर गया। याद रखना, अकाल पड़ा था जब उन्होंने गाया, अलीशा ने गाने वाले को बुलाया और उसी समय वो खड्डा भर गया। मैं कह रहा हूं आज बैंक बैलेंस भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियों में, आपकी तकलीफों में कोई नहीं आएगा। आप जहां पर खड़े होंगे, आप खुद गाएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम। आपको गाना है, फिर गाओ, फिर गाओ, फिर गाओ। ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, मेरे पास यीशु बोलने सुनने लगा यीशु मसीह के नाम में। गुंगा बहरा चंगा हो गया, 1 2 3 4 स्टार्ट हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी जुबान रुक गई थी, लेकिन आपके गले फिर खुल गए। मैं देख रहा हूं यहां पर किसी के गले में गिल्टियां रसोली हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं, फिर कह रहा हूं आशियाना करे कि अभी इसी समय बोलियों से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम था, आप आजाद हो रहे हैं, डंडे छोड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर रहा है पवित्र आत्मा। आमीन। मैं देख रहा हूं ऐसे कि इस समय मीना और आप, इसी समय देखता हूं आत्मा में कि बच्चा नहीं है, गुड न्यूज मिलेगी सुमन, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा करे तो अब इसी समय आशीषों के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर से जोर से ताड़ी बजाकर स्वागत करें। सब लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। गवाहियां, गवाहियों का टाइम है। सुरक्षित नहीं है खुदा।
Yeshua.